हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। आज मैं आपको 30x40 में बना हुआ एक डुप्लेक्स प्लान का वीडियो आज लगे है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों के साथ। जैसे देख सकते हैं ये डुप्लेक्स हाउस है, जैसे सीढ़ी जो है घर के अंदर से लिया गया, अंदर भी है बाहर भी है। ग्राउंड फ्लोर में जो है 1 BHK का पोर्शन है एंड फर्स्ट फ्लोर पे थ्री बी एच के। नॉर्मली क्या है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में एक लिविंग जैसा बनाया है, हॉल ना समझ सके, हॉल या फिर कुछ भी आप समझ सकते हैं, लिविंग एरिया बालकोनी वगैरह। अगर चाहे तो एक फर्स्ट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है आप रख सकते हैं एंड उसके ऊपर और एक मंजिल आप बांध दिए तो क्या रेंट पोर्शन को भी दे सकते हैं 1 BHK 1 BHK बना के। बात करते हैं इस प्लान के बारे में। जैसा यहाँ से एंटर हो गए वेस्ट फेस से, 30x40 का पश्चिम दिशा का घर का प्लान है। एंटर हो गए, पार्किंग एरिया रहेगा 14x22 फीट का पार्किंग। यहाँ पर जो है कट आ जाएगा, 1-2-3 फीट चले गए तो भी बाकी का 19 फीट बच जाएगा, वहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हैं। सामने एक हॉल लिया गया है 14x16 फीट का हॉल। फिर यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पर ये इतना इधर जो है सीढ़ियाँ ले सकते हैं फर्स्ट फ्लोर को। यहाँ पर किचन 9x8 फीट का किचन है। यहाँ पर है पूजा रूम 4x6 फीट का पूजा रूम। फिर देखिए यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 7x4 फीट का कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। फिर यहाँ से ये मास्टर बेडरूम, तो इसको अटैच टॉयलेट एंड बाथ है। सीढ़ी के नीचे जो जगह रहता है ना वहाँ से आप अटैच ले सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम आपका 13x9x11 फीट का मास्टर बेडरूम आ जाएगा। फिर वहाँ से एंटर हो गए, चाहे तो बाहर से भी एंटर हो सकते हैं, और वहाँ से एंटर हो गए तो इधर आ जाते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ रहते हैं इधर, यहाँ एंटर हो गए। इधर जो है एक स्टोर वैसा बना सकते हैं, यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। इधर जो है चिल्ड्रन बेडरूम 10x11 6 का। फिर यहाँ सामने एक हॉल, ओके इधर एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ, इसको ये वाले बेडरूम को। सभी बेडरूम का साइज़ जो है कंफर्टेबल और बड़े हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये अटैच टॉयलेट एंड बाथ 7x4 फीट का। यहाँ पर है बेडरूम नंबर 3 9x3x10 फीट का यहाँ पर। तो इस तरह का सिंपल सा डिज़ाइन। और बात करते हैं अब कॉलम पोजीशन के बारे में। जैसे देखिए कॉलम पोजीशन ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर 3 कॉलम, इधर भी सेम उसी तरह 3 कॉलम है, ओके और यहाँ पर 3 इधर 3, तो कुल मिलाकर जो है 12 कॉलम में ही बनाया हुआ। कॉलम का साइज 9x15 इंच का कॉलम लिया गया। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आपको इजीली एक 35 लाख तो चाहिए, अच्छा एक ब्यूटीफुल खूबसूरत विथ फ्रंट एलिवेशन के साथ 30-30 लाख भी बहुत हो सकता है, 30 से 32 लाख में बन जाएगा डुप्लेक्स हाउस। तो इस तरह का एक सिंपल सा प्लान बनाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, आप अपना क्या राय है बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आप देखे हैं अंत तक, थैंक यू, शुक्रिया।